नमस्कार, मेरा नाम है जयप्रकाश। आप देख रहे हैं अपनी वार्ता। राम मंदिर पूर्ण हो चुका है, भगवान रामलला अपने घर में विराजमान हो चुके हैं। लोगों के अंदर उमंग है, जोश है, उत्साह है। देश और दुनिया से अनेक श्रद्धालु यहां पर आकर के भगवान रामलला का दिव्य दर्शन करते हैं। प्रभु की परिचय कराने की जरूरत नहीं कि हर एक युवा जो थोड़ा भी अध्यात्म की तरफ अग्रसर होता है तो प्रभु जी को जरूर सुनता है, जानता है और कहीं ना कहीं अपना मार्गदर्शन पाता है। मैं इनसे वार्तालाप करूंगा अयोध्या के बारे में कि क्या अयोध्या में कई सारे कंट्रोवर्शियल हो रहे हैं, क्या अयोध्या जो भगवान रामलला यहाँ पर आए हैं, क्या रामराज वापस आ पाएगा, कई सारी परिकल्पना है। प्रभु से बात करें। प्रभु जय श्री राम। श्री राम जी। प्रभु जी, क्या अयोध्या जो हर व्यक्ति के अंदर एक विचार रहता है कि राम राज्य आएगा, तो प्रभु राम, प्रभु भगवान के जो मंदिर बन गया है, तो इस मंदिर से रामलला अपने घर में विराजमान, इससे क्या राम राज्य वापस आ पाएगा? बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। लेकिन राम राज्य जो है मंदिर बनाने जो है शुरुआत है, ठीक। मेन जो है राम जी की शिक्षाएं क्या है, शिक्षाएं जो है वो रामायण में है, रामचरितमानस में है, उसका पालन करेंगे तो राम राज्य भी आएगा। यहाँ पर एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जहाँ पर लोग जो है गहराई से रामायण को समझने के लिए आएँ, रामायण को अप्लाई कैसे करना है वो सीखने के लिए आएँ, इससे भी आएगा। साथ साथ में यहाँ पर लोगों के लिए ना एक स्पिरिचुअल ऐसी फैसिलिटी हो कि ना लोग यहाँ पर चले आएँ, तो इससे जितनी कोई मान लो कोई चीज़ की असुविधा है वो हटनी चाहिए ताकि लोग यहाँ पर आएँ। और साथ ही यहाँ भक्तों को आना चाहिए, भक्तों जो अपनी अपनी जगह पर जो है साथ साथ भक्तों को आना चाहिए, लोगों को वेलकम करना चाहिए। साथ ही इसकी महिमा को जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब हो गया या फिर से इंस्टाग्राम हो गया, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भी हमें राम जी की महिमा को फैलाना चाहिए। तो नहीं तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो इसलिए हमें मोर को शहर में नचाना है ताकि लोग जो है और आए रामलला जी के पास। वी शुड एडवर्टाइज ऑल्सो। सही बात है, कई सारी चीज़ हम दुनिया को दिखाएंगे तभी लोग समझ पाएंगे भगवान रामलला यहाँ पर है। खैर, अयोध्या का राम मंदिर बना है तो इससे क्या भारतीय संस्कृति जो इंडियन कल्चर है ये विश्व स्तर पर पहुँच पाएगी? देखिए, विश्व स्तर पर जाने के लिए यही है दैट वी हैव टू गो टू ऑल द प्लेटफॉर्म्स, जहाँ जहाँ वास्तव में विश्व स्तरीय जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ जाना चाहिए। जैसे विदेशों में भी यूनिवर्सिटीज में कैन बी कोर्सेज, लीडरशिप कोर्सेज फ्रॉम द लाइफ ऑफ लॉर्ड राम, कैसे अच्छा वो कैसे कैसे क्या क्या सीख सकते हैं, रिलेशनशिप सूत्र फ्रॉम लाइफ ऑफ लॉर्ड राम, ऐसे ऐसे कोर्सेज हमें लॉन्च करने चाहिए तो लोग यह सीखेंगे, जानेंगे, आगे बढ़ेंगे। खैर, बहुत सारी कंट्रोवर्शियल हो रही हैं, बहुत सारे प्रश्न आपने बहुत सारे जवाब दिए हैं आपका। मैं यूट्यूब चैनल मैं श्रेय जो मैं देखता रहता हूँ वहाँ से भी, लेकिन खैर मैं भी बात कर लेता हूँ। कई सारे पॉलिटिशियन हैं, कई सारे लोग हैं, जब सबसे बड़ी बात होती है हॉस्पिटल की बात आती है, स्कूल की बात आ जाती है, पाखंड की बात आती है, तो क्या सनातन ही बचा है, भगवान राम जो हम सबके आदर्श हैं वही बचे, उन्हें कमेंट करने, उन्हें क्या बोलना चाहेंगे? इसका मतलब है लॉजिक ने उनके जीवन में आत्महत्या कर ली है, उन्होंने मर्डर कर दिया बेचारे लॉजिक का। देखिए, राम जी का मंदिर यहाँ बन गया है, ठीक है, इसके अलावा कितनी ही जमीन है वहाँ, स्कूल खोलें, अस्पताल खोलें, अनाथ आश्रम खोलें, कोई मना थोड़ी है। ऐसा थोड़ी कि यही इकलौती जमीन थी वह दुनिया जहान में, अब यहाँ मंदिर बन गया, अब सारे अब हॉस्पिटल और स्कूल बंद हो जाएंगे बस। अब तो ये तो मतलब लॉजिक ही बेचारा कहीं कूद के मर जाए। तो इसलिए इस स्थान का विशेष महत्व भी है यार, ये रामलला जी का बर्थ प्लेस है, तो ये स्थान का महत्व है एक तो। साथ साथ में लोगों ने पैसा दिया स्पेशली इस मंदिर के लिए, तो जी मैं आपको पैसा दूँ लो जी ये रामलला जी के मंदिर बनाने के लिए, और आपने उसको कहीं और खर्च कर दिया, यार यार तेरे को उसके लिए मैं अलग से दे देता ना, ये रामलला जी के लिए दिया था मैंने, तो इसे लोगों ने पैसा दिया है इसके लिए, तो इससे भी यहाँ मंदिर इसी के लिए ही बनना चाहिए, ठीक है जी। और बाकी जमीनी कोई कमी नहीं है भारत के अंदर, भारत बहुत बड़ा देश है। आप कभी ट्रेन सफर करें रास्ते में आपको बहुत सारे खाली स्थान नजर आए थे, तो बहुत सारी ज़मीन है, सो वी कैन डू स्कूल वगैरह वहाँ खोलेंगे ना, मंदिर भी खोलेंगे, वो भी खोलेंगे, थोड़ी यहाँ ये या वो नहीं, दोनों चलेंगे। भारत धर्म निरपेक्ष देश है, वर्तमान में लोग कहना है कि जब से मोदी सरकार आई है वो केवल सनातन हिंदुओं का कार्य कर, मंदिर बनाने का कार्य कर रहे हैं, इसमें तो धर्म पाच की कोई बात ही नहीं, तो क्या ये सही है कि फालतू बात है? देखिए, अगर मान लो सड़क बनाते हैं वो, ठीक है, नितिन गडकरी जी ने सड़क बनाई, ऐसा होता है इस सड़क पे से हिंदू चलेगा जी, मुसलमान का अलाउड नहीं, ऐसा ही क्या? नहीं, उसमें हिंदू मुस्लिम चले, क्रिश्चियन चले, सिख चले, सब चलते हैं। अस्पताल बनता है सबके लिए, बनता है टॉयलेट बनता है सबके लिए, बनता है यहाँ पे स्कूल बनता है सबके लिए बनता है। बल्कि आप देखो दूसरे धर्मों के स्कूल हैं ऐसे, यहाँ पर सेंट जेवियर्स, यहाँ कुछ ऐसे हैं जिसमें सिर्फ आपके धर्म के लोग ही जा सकते हैं और लोग अलाउड नहीं है, बाकी लोग नहीं फॉलो करते हैं। हिंदू कहते हैं हाँ जी सबके लिए, ये मोदी सरकार बल्कि एक्चुअली सेक्युलर है इन द सेंस कि सबको साथ लेके चलती है, पर हाँ उनका खुद का अपना भी तो बिलीफ सिस्टम है विच इज हिंदू विच इज ओके। सबका साथ सबका विश्वास जो मोदी जी का एक नारा है कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, तो वो प्योर श्योर चल रहा है। बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास। युवाओं को क्या सीख लेना चाहिए भगवान रामलला से, भगवान रामलला हमारे अपना उनका खुद का रामराज उन्हें मिल गया है, तो युवाओं को क्या सीख लेना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर आते हैं एक पिकनिक पॉट बना लिए, चलो ठीक है गए मस्ती किए लाइन में लगे और फिर खाए पिए चले आए, लेकिन यहाँ से एक्चुअल में उन्हें लेकर क्या जाना चाहिए राम मंदिर आए हैं तो? अगर यहाँ पर आए हैं तो यहाँ से रामायण लेकर के जाएँ, यहाँ से भगवान का नाम लेकर के जाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। ये लेकर के जाएंगे तो उनमें चेंज भी आएगा।
जी हमारे साथ एक चीज और, एक चीज और लास्ट प्रश्न है, एक बिहार के ही राजनेता, उन्होंने कहना हमारे सपने में भगवान आए हैं, वहाँ पखंड हो रहा है अयोध्या में, हम नहीं जाएंगे, भगवान वहाँ नहीं जाएंगे, तो क्या भगवान उनके सपने में गए होंगे? ये देखिए, वो तो खैर वो ही जानते हैं या राम जी जानते हैं, लेकिन हमारा सपना पूरा हो चुका है, ये हमारे लिए बड़ी जरूरी बात है। आपका सपना पूरा हुआ, हमें लगता है हर एक सनातनी का पूरा सपना पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, और ये सारी चीजों कैसी वार्तालाप, बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी।